इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट सबके सारे के फार्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर 3D यूनिट सेल, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल के कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो हम थ्री डायमेंशनल यूनिट में लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशन ये है कि अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री होने चाहिए और एजेस जो होने चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ट्राइगोनल यूनिट सेल में ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा ट्राइगोनल यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी डू नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी बट बी डू नॉट नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल ए डू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा डू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल ए डू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम इन वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इन टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आर क्रिस्टल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दैट बिकम्स डे इक्वल टू एम जेड अपॉन एन ए बी, वेयर एम इज द मोलर मास इन ग्राम, जेड इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, एन ए इज द एवोगैड्रो नंबर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डे इक्वल टू एम जेड ए क्यू एन ए, ए इज द एज लेंथ। डे इक्वल टू एम जेड अपॉन ए क्यू एन ए, दिस इज अ फार्मूला ऑफ डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड आर, दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ एटम इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ए इक्वल टू 2R इन बी सी सी, अंडर रूट 3A इक्वल टू 4R इन एफ सी सी, ए इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R इन लिक्विड स्टेट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए इज द डी वी अपॉन डी एक्स इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए इज द एरिया। एफ इक्वल टू नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, नीटा इज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ नीटा इज किलोग्राम पर मोल पर सेकेंड, दिस इज एस आई यूनिट। डाइन सेंटीमीटर माइनस टू सेकेंड इनवर्स इक्वल टू पॉइजेस।
वन पॉय इज इक्वल टू 10-2 किलोग्राम पर मोल पर सेकेंड. फ्लूइडिटी फाइ इक्वल टू, फाइ इज रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. फ्लूइडिटी फाइ क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. फाइ इक्वल टू 1/ईटा. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एरिया रिप्रेजेंटेड बाई ए. एम जी अपान ए. जे इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एम इज द मास ऑफ द मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. दिस विल बी ए एच डी. V is the area and the height. V is the area and the height. Area and the height. So P equal to mg upon A equal to AH dg upon A equal to A से एक कट जाएगा तो P equal to HDG. P equal to HDG. This is a formula of pressure of gas. 1 atm equal to 101.325 into 10^3 newton meter minus 2, which is equal to 101.325 into 10^3 pascal, which is equal to 101 into 325 in kilopascal. 1 tar equal to 1 mmHg. 1 bar equal to 10^5 pascal. 1 atm equal to 76 centimeter mercury. Equal to 76 millimeter mercury. Equal to 101.325 into 10^3 pascal. Equal to 76760 tar equal to 1.01 bar. 1 bar equal to 0.987 atm. This is a different values of pressure in different unit. Pressure of gas equal to atmospheric pressure minus pressure due to height of mercury. Boyle's law. Volume of gas is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature T. PV equal to R. R is the gas constant. Charles law. Volume of gas is directly proportional to the temperature at constant pressure. V1T1 equal to V2T2. Gay-Lussac law. Pressure and temperature relationship. Gay-Lussac law gives pressure and temperature relationship. Pressure is directly proportional to temperature at constant volume. P1 P2 equal to T1 T2. Avogadro law. Volume of gas is directly proportional to the number of molecules at constant temperature and pressure. STP equal to 0 degree Celsius and 1 bar. STP equal to 0 degree Celsius and 1 bar. Volume of gas, that is molar mass of gas, equal to 22.71 liter. STP 0 degree Celsius and 1 atm pe volume of gas equal to 22.4 liter. STP condition doro hai, yahan pe 0 degree Celsius yahan bhi hai, but यहाँ पर प्रेशर 1 बार है, वहाँ पे प्रेशर 1 atm है. उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.71 लीटर होता है, यहाँ पे 22.4 लीटर होता है. बॉयल्स चार्ल्स एवोगैड्रो लॉ कैन बी कंबाइंड. P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2. T इज द कांस्टेंट. तो अगर टी कांस्टेंट कर दूंगे तो P1 V1
टी कांस्टेंट कर देंगे तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दोनों को कंबाइन करेंगे तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, आर इज ए गैस कांस्टेंट, टी इज ए टेम्परेचर। आर इज इंडिकेटेड टू पी पी इन द एटीएम, वॉल्यूम 22.4 लीटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आर गैस कांस्टेंट इज 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस पी वन पी टू पी थ्री एक्सेट्रा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डी इज द डेंसिटी ऑफ गैस, आर वन आर टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन, आर इज इक्वल टू द वी टी, टी इज द टाइम टेकन इन द डिफ्यूजन, टी इज द टाइम टेकन इन द डिफ्यूजन, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन अपॉन वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन इक्वल टू एम टू अपॉन अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन। इफ टी वन इक्वल टू टी टू देन वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन। काइनेटिक गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू 1/3 m n mu, m n u, m is the mass of simple molecule of gas, n is the number of molecule present in volume, u is the root mean square velocity. For one mole gas equal to n a molecule, then p v equal to 1/3 m n u square, या v square. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस इक्वल टू ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आर ई के इक्वल टू हाफ एम एन वी स्क्वायर, आर ई के इक्वल टू 3/2 आर टी। ई के गिव्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, ई के इक्वल टू 3/2 आर टी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ गैस ई के इक्वल टू 3/2 के टी। के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज 1.38 × 10⁻²³ जीरो पर केल्विन, के इक्वल टू आर अपन एन। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम, एम इज द मलेकुलर मास ऑफ गैस, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 आर टी बाई एम। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी रेशियो वी बार रेशियो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी बाई एम रेशियो 8 आर टी बाई पाई एम रेशियो 2 आर टी बाई एम विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 रेशियो अंडर रूट 8 पाई 8 अपॉन पाई रेशियो अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 1.732 रेशियो 1.596 रेशियो 1.414। वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वन मोल ऑफ गैस पी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। फॉर एन मोल पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर
फार एन मोल पी प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी वेयर ए एंड बी इज अ वांडर वाल कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर बी इक्वल टू वी अपान एन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इक्वल टू पी वी अपान एन आर टी विच इज इक्वल टू वन फॉर आइडियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ये कब होगी जब आइडियल गैस होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इक्वल टू 8A अपान 27 बी आर क्रिटिकल प्रेशर पी सी इक्वल टू ए अपान 27 बी स्क्वायर क्रिटिकल वॉल्यूम बी सी इक्वल टू 3B बी सी इक्वल टू 3B। बस इतना कंप्लीट हो गया, सारे फार्मूले स्टेट ऑफ मैटर के कवर्ड हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।